वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास नाइन्थ इंग्लिश बीहाइव बुक से जो चैप्टर नंबर 8 है रीच फॉर द टॉप उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। व्हाई वॉज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड। जो होली मैन था, होली मैन का मतलब होता है साधु महात्मा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, जिन्होंने संतोष की मम्मी को आशीर्वाद दिया था, वो सरप्राइज क्यों हो गए थे। तो आंसर देखिए, बहुत छोटा सा लिखा है मैंने आपके लिए। द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग वॉज सरप्राइज। देखो यहां से लेके यहां तक पूरा आंसर मैंने क्वेश्चन से उठाया। बिकॉज हर ग्रैंड मदर आस्क ब्लेसिंग्स फॉर अ डॉटर, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने जो ब्लेसिंग्स मांगी थी वो एक बेटी होने के लिए मांगी थी, तो वो इसलिए सरप्राइज हो गए कि भैया आजकल के जमाने में तो, और उस टाइम पे तो वैसे भी सब लोग ये मांगते थे कि लड़का हो जाए लड़का हो जाए लड़का हो जाए, और वो लड़की मांग रही है इसलिए वो। इन इंडियन सोसाइटी मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क द ब्लेसिंग्स फॉर अ सन। भारतीय समाज में ज्यादातर लोग एक लड़का मांगते हैं इसलिए वो शॉक्ड हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज अ यंग गर्ल संतोष वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है कि जब संतोष छोटी बच्ची भी थी उस टाइम पे भी कोई भी वो अनरीजनेबल बात को एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर दूं, उससे पहले ये समझो, गांव की जो लड़कियां होती हैं वो आपने देखा होगा वो सूट सलवार पहनती हैं, जैसा कि यहाँ पे, लेकिन उस टाइम पे भी वो क्या करती थी, सूट सलवार नहीं पहनती थी और शॉर्ट्स पहनती थी, जैसा कि इन आंटी जी ने पहन लिया, ठीक है। तो यहाँ देखो, शी यूज टू वेयर शॉर्ट्स एंड नॉट द ट्रेडिशनल ड्रेस meant for girls। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक ऐसी चीज बतानी है कि वो unreasonable बातों को नहीं मानती थी। She used to wear shorts, इस तरह से। Next, why was Santosh sent to the local school? अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा संतोष के मम्मी पापा बहुत बहुत अमीर थे, वो चाहते थे सिटी के बड़े स्कूल्स में भी भेज सकते थे, लेकिन फिर भी संतोष को गांव के स्कूल में भेजा गया, जिस तरह से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका एक कस्टम था, एक रीति रिवाज था कि जो गांव की लड़कियां हैं वो गांव के ही छोटे मोटे स्कूल में पढ़ेंगी। शी वॉज सेंट टू द लोकल स्कूल एज पर द कस्टम इन द फैमिली। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, क्योंकि उनके यहाँ रिवाज था कि वो बस गांव के ही स्कूल में पढ़ेंगी। व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड व्हाई। तो वो दिल्ली के लिए कब निकली और क्यों निकली। शी लेफ्ट होम फॉर दिल्ली व्हेन शी वॉज 16। जब वो 16 साल की थी तब वो दिल्ली के लिए निकल गई। She left home for Delhi to get proper education, क्योंकि उसके घर वाले वहां पे उसे गांव में पढ़ा रहे थे, वहां उसे proper education नहीं मिल रही थी। उसने कहा मैं भी अपने भाइयों की तरह proper education लेना चाहती। Next, why did Santosh's parents agree to pay for her schooling in Delhi? अब क्या हुआ, जब वो लड़की दिल्ली भाग गई तो पेरेंट्स ने पहले धमकी दी कि भैया हम तुम्हारी फीस नहीं भरेंगे, लेकिन बाद में वो फीस देने के लिए रेडी क्यों हो गए। What mental qualities of Santosh are brought into light by this incident? और इस इंसिडेंट से संतोष की कौन सी मेंटल क्वालिटी के बारे में पता चलता है। संतोष पेरेंट्स अग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली बिकॉज, देखो संतोष पेरेंट्स अग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां से लेके यहां तक हमने क्वेश्चन से उठाया है। बिकॉज शी इन्फॉर्म देम, क्योंकि उसने उन्हें बता दिया था इफ दे डिडंट पे हर फीस शी वुड डू सम पार्ट टाइम जॉब टू पे हर फीस। तो उसने अपने घर फोन करके बता दिया भैया अगर तुम लोग मेरी फीस नहीं भरोगे तो मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब करूंगी और फिर उससे अपनी फीस दूंगी। तो घर वालों को लगा यार चलो बदनामी होगी हमारी, इससे बढ़िया लड़की को पढ़ा देते हैं और वैसे भी कोई गलत काम तो कर नहीं रही है। अब यहाँ पर पूछ रहा है हमें इससे कौन सी क्वालिटी पता चलती है, उसकी डिटर्मिनेशन क्वालिटी, मतलब सलमान भाई की तरह कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया उसके बाद तो भाई साहब मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो एक बार जो उसने डिटर्मिनेशन बना ली, डिटर्मिन होगी तो होगी। अब जो क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर लगभग आपको 30 वर्ड्स में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन। संतोष ने माउंटेन चढ़ने की शुरुआत कैसे की। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा जब वो कस्तूरबा हॉस्टल में रह रही थी तब उसने गांव वालों को माउंटेन्स में चढ़ते हुए देखा, अचानक से उसके अंदर जिज्ञासा हुई कि यार चलो हम भी शुरू करें। तो आंसर देखो, संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स व्हेन शी सॉ सम विलेजर्स क्लाइंबिंग ऑन ए माउंटेन। जब उसने कुछ विलेजर्स को, जैसा मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है, उसने देखा कि ये लोग यार माउंटेन पर चढ़ते हैं तो हम भी चढ़े। शी ऑल्सो थॉट टू गिव इट ए ट्राई, उन्होंने सोची कि चलो हम भी कोशिश करेंगे। लेटर शी सेव्ड
मनी एंड टुक एडमिशन इन उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। बाद में उसने कुछ पैसा बचाया और उसने फाइनली एडमिशन ही ले लिया किसमें, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। देन शी बिगेन टू क्लाइंब माउंटेन्स एवरी ईयर, और फिर तो वो हर साल माउंटेन्स चढ़ने लगे। नेक्स्ट, वॉट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपीडिशन सो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। देखो चिल्ड्रन, जब आप किसी भी एक्सपीडिशन का मतलब होता है साहसिक यात्रा पे जाओगे, तो जाहिर सी बात है इंजरी चोट लगने का डर रहता है। तो किस बात से पता चलता है कि संतोष जो अपने साथी थे उनका भी ध्यान रखती थी। कई बार ऐसा हुआ उसके साथियों को चोट लगती थी, इंजरी होती थी या उन्हें प्रॉब्लम होती थी, तो संतोष हमेशा उनकी हेल्प करती थी। कई बार ये देखा गया कि उसने अपनी ऑक्सीजन भी उनके साथ शेयर की है और एक दो बार तो उसने मरते हुए लोगों को भी बचाया है। संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु मेट विद एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग 1992। जब वो 1992 के एक्सपीडिशन में यानी माउंट एवरेस्ट पर जा रहे थे, तब उसने बहुत ज्यादा स्पेशल केयर प्रोवाइड की एक क्लाइंबर को जिसकी जो इंजरी हो गई थी, ठीक है, एवरेस्ट मिशन पे जब वो जा रहे थे। इसके अलावा शी सेव्ड मोहन सिंह। मोहन सिंह कौन है, एक आदमी का नाम है, हु वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हर। इसके अलावा एक और इंसान था मोहन सिंह, उसे भी उसने बचा लिया। और कैसे बचाया, उसने अपनी ऑक्सीजन, संतोष यादव ने, भाई आप जब बहुत हाइट पर जाते हो तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अपनी ऑक्सीजन बेचारी ना उसके साथ शेयर करी, और अगर वो ऐसा ना करती तो वो आदमी वहां मर जाता। तो इन बात से पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा कंसर्न्ड है। इसके अलावा व्हाट शोज हर कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट। अब देखो वो एक अच्छी एथलीट तो है ही है, अपने टीममेट्स का तो ध्यान रखता ही है, लेकिन वो पर्यावरण से बहुत प्यार करती है। और किस बात से पता चलता है, मैंने आपके लिए यहाँ एक फिगर लेके आया हूँ। जब वो हिमालय पे गई तो हिमालय का बहुत सारा जो गार्बेज है, और कहते हैं कि 500 kg जो गार्बेज है वो कैसे भी या अपने टीममेट्स की हेल्प से कलेक्ट करके लाई, जिससे पता चलता है कि वो पर्यावरण को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है। संतोष वॉज रियली कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट, पूरा यहीं से उठाया है हमने। शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। अब भाई साहब, एक ऐसी जगह जहां पे केवल चढ़ना उतरना ही मुश्किल होता है, अगली बेचारी औरत होते हुए भी 500 kg जो कूड़ा करकट है वहां से इकट्ठा करके मतलब सफाई करती है। तो इस बात से पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा कंसर्न है किसको लेके, एनवायरमेंट को लेके। नेक्स्ट, हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ एवरेस्ट। समिट का मतलब होता है चोटी। जब वो एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच जाती है तो वो अपनी फीलिंग को कैसे डिस्क्राइब करती है। भाई एक लड़की होके ये वाला काम करना तो बहुत ही मुश्किल है, तो वो वहां पे जाती है और उसे बड़ा घमंड फील होता है, गर्व होता है, और वो भारत का जो तिरंगा है वो वहां पे लहराती है। तो इसका आंसर देखेंगे, She said that it took some time for her to realize that she was at the summit of the Everest. उसका कहना था कि जब वो फाइनली वहां पहुंची तो उसे थोड़ा सा टाइम लगा ये रियलाइज करने में कि वो सचमुच में एवरेस्ट की चोटी पे आ चुकी है। She was very much delighted, बहुत खुश थी, and she proudly unfurled. Unfurled का मतलब होता है लहराना, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ, और उसने proudly भारत का जो झंडा है वो वहां पे लहराया। Next और last question है, संतोष यादव गॉट इन टू द रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो वो दो बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी और दोनों बार उसने रिकॉर्ड बनाया। क्यों, वॉट वर द रीजंस। शी वॉज द यंगेस्ट वुमन हु स्केल्ड द एवरेस्ट। पहली बार जो उसने रिकॉर्ड बनाया वो तो रिकॉर्ड इसलिए था कि वो दुनिया की अकेली ऐसी महिला थी जो सबसे छोटी यानी कि 20 साल की उम्र में ये कारनामा करने वाला, इसलिए उसका नाम हिस्ट्री में लिख गया। दूसरी बार, शी इज द ओनली वुमन हु क्लाइम द एवरेस्ट ट्वाइस। ऐसा नहीं है कि औरतें और लेडीज माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ी हैं, लेकिन वो ऐसा करने वाली, वो इस कारनामे को दो बार करने वाली अकेली औरत है, ठीक है, तो इसलिए दोनों बार उसका नाम हिस्ट्री बुक में। चिल्ड्रन, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप में से देखूंगा कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देते हैं। हु इज द ओनली वुमन टू क्लाइंब ऑन माउंटेन एवरेस्ट, ए बी सी या डी। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कॉमेंट सेक्शन में। आई होप मेरे जितने ईजी क्वेश्चन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, बहुत मेहनत लगती है चिल्ड्रन इस तरह की स्लाइड बनाने में, दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं। सो आई होप इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।